हाय, आई एम सैयद राशिद। यू आर वॉचिंग अहले वैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माई वीडियो टू ऑल स्टूडेंट एज वेल एज व्यूवर्स। टूडे जस्ट वी आर कंटिन्यूइंग अवर क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेरीमीटर्स एंड एरिया एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 10.1। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई लाइक टू रिकॉल यू अबाउट द थिंग विच वी हैव लर्न ऑलरेडी। सो इन अवर प्रीवियस सेशन वी हैव कम अक्रॉस विथ वेरियस चैप्टर्स लाइक algebra, data handling, integers and all the this chapter. You need to work hard on this and you need to practice. Now we are moving one step in this max of class 6th. So now we will going to just know the what is area and what is perimeter, then directly we are going to the exercise number 10.1. So as you can see, already I wrote the definition for area, okay, and perimeter also. So area is nothing but the size of the surface is called its area. Next, sum of the length of sides of figure is called its perimeter. So now explanation in Hindi. जैसा आप जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ, हम 6th क्लास की मैथ्स पढ़ रही, चैप्टर नंबर 10 है पेरीमीटर्स एंड एरिया। तो देखिए, एरिया किसे कहते हैं? अगर एक डायग्राम है, चाहे ये ट्रायंगल हो सकता या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता, वॉट एवर, और यहाँ पे भी हम देख लेंगे ये ट्रायंगल हो सकता, ये रेक्टेंगल, वॉट एवर इट मे बी। सो एरिया इज नथिंग बट द साइज ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स कॉल्ड एरिया। दैट मीन्स द सरफेस साइज इज नथिंग बट एरिया, ओके। द साइज ऑफ द सरफेस इज नथिंग बट एरिया। What about perimeter? Perimeters is nothing but the sum of the all sides. Okay, all sides of the figure is nothing but perimeter. When you are solving the problem, we will going to go in the detail. You understood automatically. तो जैसा कि आप समझ सकते कि जो अंदर का जो मार्किंग रहता, अंदर का जो सरफेस का यानी कि साइज रहता, उसको आप एरिया बोलते, पेरीमीटर बोलते, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स यानी कि पूरों के जो लेंथ होते उसको आप यानी कि पेरीमीटर कहते हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 10.1 का आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर यानी कि डायग्राम्स बताया जा रहे हैं और बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम्स जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका मैं आंसर अभी आपको बताता हूँ। आप डायग्राम्स को अच्छे से गौर से देखिए। सो देखिए, पहला डायग्राम हमारे पास किस तरीके से था, हम लिखेंगे फर्स्ट में आपको यानी कि अपन चाहे तो पूरा लिख ले सकते, लिख के सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट भी कर सकते। तो हमारे पास ए बी कितना दिया हुआ था, ए बी इजिकल्स टू 40 सेंटीमीटर था, ओके। बी सी इजिकल्स टू कितना था हमारे पास, यस कम ऑन स्टूडेंट, बी सी मेरे को 50 दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर था। फिर सी डी हमारे पास कितना दिया हुआ था, 35 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। और डी एंड ई कितना दिया हुआ है हमारे को, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आगे ई एंड ए कितना दिया हुआ है हमारे को सेंटीमीटर्स के हिसाब से, 40 सेंटीमीटर्स। तो अब हम पेरीमीटर इज नथिंग बट जस्ट वी नीड टू ऐड, सम करना है हमारे, सिर्फ ऐड करना है। तो आप देख सकते 40 और 50 90 हो जाएंगे, 90 और 35 आप कितने हो जाते हैं, 125। 125 में अगर आप 60 मिलाएंगे तो आपको बन जाएगा 185 में अगर आप 40 मिलाओगे तो आपको बनेगा 2, यस कम ऑन। एक्चुअली आई नीड टू चेंज ई ए वैल्यू, ई ए की वैल्यू मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, ई ए मेरे को 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से हम करेंगे, 40 और 50 90 हो गए, 90 में 35 अगर आप मिलाओगे 125 में आप 60 मिलाओगे तो आपको हो जाएगा 185 में अगर आप 45 मिलाओगे तो नियरली आपको 230 हो जाएगा। तो आंसर हम लिखेंगे 230 सेंटीमीटर्स, ओके। नेक्स्ट आपको आई जैसा शेप दिया हुआ था जिसमें आपको यानी कि मल्टीपल जैसा कि ए बी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी आपको नहीं दिया हुआ है तो बी सी आपको डालना पड़ेगा ए एल के बराबर होता है वो, तो ए एल के बराबर डालिए तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं ही करवा देता हूँ यहाँ पे, हम एक यानी कि आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन हियर इट सेल्फ। इसी में ये एक्चुअली सेकेंड वाला नहीं है बल्कि फर्स्ट वाले में आपको 4 अलग अलग बीट्स दिए हुआ है। सो सेकेंड फिगर इज गिवन इन द शेप ऑफ आई, नियरली आई। आई कैसा होता हमारा, कैपिटल आई, कुछ इस तरीके से हम आपको सेकेंड डायग्राम दिया गया था जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख लिए है।
तो उसका देखिए कुछ इस तरीके से रहता, ए बी इजिकल्स टू 8, बी सी इजिकल्स टू, आपको नहीं दिया था ये, तो बी सी हमारे को 3 सेंटीमीटर लिखना है, सी डी 3 सेंटीमीटर, डी ई 5 सेंटीमीटर, ई एफ 3 सेंटीमीटर, एफ जी 2 सेंटीमीटर, जी एच 8 सेंटीमीटर, एच आई 2 सेंटीमीटर, एच जे 3 सेंटीमीटर, जे के 5 सेंटीमीटर है, के एल 3 सेंटीमीटर, एल ए 3 सेंटीमीटर, टोटल आंसर इज 48। तो ये आपको कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़े। ओके, होप यू हैव कॉपीड। यू नीड टू डू थर्ड वन एंड फोर्थ वन बाय योर साइड। थर्ड और फोर्थ आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ मैं, जैसा आप देख सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हियर इट इज गिवन लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड वी हैव विथ अस लाइक सिक्स साइड मीन्स हेक्सागन। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ वायर अराउंड ईच ऑफ दिस शेप गिवन दैट 1 सेंटीमीटर वायर कॉस्ट ₹15। सो जैसा कि आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, सेकंड वाला हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाले में फर्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल का क्या करना है, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। ट्रायंगल में आपको क्या दिया है, 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है वन साइड, आगे की साइड आपको 35 सेंटीमीटर है और उसके बाद की साइड है आपको 30 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ पेरीमीटर, पी ई आर आई, पेरीमीटर ऑफ अबव ट्रायंगल, जो अबव ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या है हमारे पास, लाइक 55 प्लस 35 प्लस 30, तो अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ पे मैं प्लस करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए आप लोग 55, 35, 30, 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 का 0 कैरी 1, ये 6 हो गया, 6 और 3 कितने होंगे, 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 120 हो जाएगा। नाउ व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग वायर, देखिए द कॉस्ट ऑफ पुटिंग, PUTTING, पुटिंग अ वायर अराउंड, AROUND, अराउंड दिस ट्रायंगल। ओके, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल यू नीड टू राइट कंप्लीट TRIANGLE और एस यू कैन पुट दिस सिंबल इज 120 into 15। ओके, 120 इज नथिंग बट सेंटीमीटर, द साइज ऑफ दिस, एंड हियर 15 इज रुपीज विच इज इक्वल टू 1800 रुपीज यू नीड टू राइट। ओके, वाई रुपी, वाई 120 इंटू 15 इज लाइक 1200 आई एम डूइंग हियर। ओके, 120 into 15, 50 0, ओके, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 1 5, ये 6 हो गया, 10 0, 1 2 2, 1 1 1, सो इट विल 0 0 6 2 8 1 इज एज इट इज। ओके, तो ये आप रफ वर्क है जो मैं आपको करा हूँ। तो ये हो गया सेकंड वाले का फर्स्ट केस। नेक्स्ट हम देख लेंगे, नेक्स्ट वाला हम आपको रेक्टेंगल दिया, ठीक है, रेक्टेंगल लाइक मैं बी जैसा कंसिडर कर ले रहा हूँ उसको। तो रेक्टेंगल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ क्या करा, दो साइड्स दिया, एक 40 सेंटीमीटर दिया और एक 20 सेंटीमीटर्स दिया है। तो हम पहले कर लेंगे सेम, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अबव, ओके, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 40। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर का एक फार्मूला रहता है हमारे पास, किसका, यानी कि एक फार्मूला है हमारे पास 2 into L + B, एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फार्मूला रहता है। सिंस आप लिख सकते यहाँ पे एक फार्मूला है अपने पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, नॉट ट्रायंगल हियर, आई नीड टू मार्क लाइक रेक्टेंगल इज इक्वल्स 2 into L + B, ओके, इज इंट इट, सो आई एम राइटिंग दैट ओनली। सो वी हैव, आई हैव 2 विथ मी, एल वी हैव विथ अस, लेंथ इज नथिंग बट 40 प्लस ब्रेथ इज 20, सो इट विल बी लाइक 20 into 60 विच इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर्स। सो देयरफॉर द कॉस्ट, COST, कॉस्ट ऑफ पुटिंग, PUTTING, पुटिंग अ वायर अराउंड दिस रेक्टेंगल, ओके,
इज 120 इंटू 15 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, सेम 1800 रुपीज. ओके, यू नीड टू राइट रुपीज. वाई 1800 रुपीज, आई ऑलरेडी मल्टीप्लाई, नीड नॉट टू मल्टीप्लाई वन सेकेंड. एंड हियर 2 इंटू 60 इज 120, हियर ऑल्सो आई नीड नॉट टू मल्टीप्लाई. सो एज ऑफ नो यू नीड टू कॉपी दिस ए एंड बी. ओके, नेक्स्ट स्क्वायर एंड हेक्सागन यू कैन डू बाई योर सेल्फ. स्क्वायर इज नथिंग बट हियर इट इज गिवन लाइक 30 सेंटीमीटर. सो हियर ऑल्सो 30 सेंटीमीटर मीन्स अगेन दिस टू साइड्स ऑल्सो ऑटोमेटिकली 30 सेंटीमीटर्स. यू नीड टू जस्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस एंड यू हैव टू फेच द लाइक अमाउंट रिक्वायर्ड टू राउंड द वायर. एंड वी हैव वन मोर फिगर विथ अस लाइक हेक्सागन. ओके, फॉर हेक्सागन ऑल्सो यू नीड टू ट्राई बाई यूर सेल्फ एंड यू नीड टू आंसर. हियर इट इज गिवन ओनली 24 सेंटीमीटर, द रेस्ट ऑल्सो ऑल 24 इट्स सेल्फ. ओके, यू नीड टू डू बाई यूर ओन. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. एस यू कैन सी अ स्लाइड इज प्लेइंग हियर. हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक विथ अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग विथ इंटीग्रल साइड एंड वॉट आर द साइड्स ऑफ दोज रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर्स. थर्ड सॉल्व. ओके, इट इज गिवन लाइक वी हैव 24 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी. सो हाउ मेनी लाइक रेक्टेंगल वी कैन मेड विद द इंटीग्रल पार्ट. सो हियर द आंसर इज वी कैन मेड सो मेनी. ओके, मेनी रेक्टेंगल्स वी कैन मेड लाइक 1,6. ओके, एंड लाइक 2,5, 3,4 एक्सेट्रा. सो हाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. हियर वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रिंग विथ 24 ओके सेंटीमीटर. ठीक. ओके, इफ आई वॉन्ट टू मेक लाइक rectangle with the integral part, just I want to make, so I can make different size of rectangles like 1,6 or else I can make somewhat small like 2,5 etc. So this is the answer. Now question number 4 you have to do by your side, and for question number 5 I am just putting on the screen and explain you answer also. A piece of wire is 60 cm long. What will be the length of each side of the string is used to form first an equilateral triangle, a square, a regular hexagon, a regular pentagon. जैसा कि आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही जा रहा होगा कि एक फाइव मैं सॉल्व करा देता हूँ. यहाँ पे आप देखिए फिफ्थ सॉल्व. ओके, फिफ्थ सॉल्व में हमारे पास क्या है, गिवन. ओके, गिवन वी हैव 60 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइक वायर है हमारे पास. तो फर्स्ट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 3 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के साइड्स 3 रहते, तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर होगा. सेकंड वाला आंसर मैं कर रहा हूँ जैसा कि आपको 60 डिवाइडेड बाई 4 होंगे क्योंकि स्क्वायर के साइड्स 4 रहते, तो ये 15 सेंटीमीटर होगा. तो थर्ड वाला हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है हमको, रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन इज नथिंग बट 6 साइड रहते उसके, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा. नेक्स्ट हमारे पास रहेगा पेंटागन बता रहा है, 60 डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट लाइक 12 सेंटीमीटर. ये हमारे आंसर्स है सिंपल. अगर आपको डायग्रामेटिकली अगर बताऊँ तो देखिए ये इक्विलेटर ट्रायंगल बता रहा और इसमें आपको एक स्क्वायर बता रहा है और इसमें आपको बता रहा है हेक्सागन. हेक्सागन कुछ इस तरीके से रहेगा जिसके 6 साइड्स आपको रहते हैं, जैसा आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी मैं बता रहा हूँ. और एक एक पेंटागन बताया जा रहा जिसके आपको पेंटागन के 5 साइड रहेंगे. ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ. तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 5. कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स है आपके स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, इस पर भी आपको मेहनत करनी है. साथ ही साथ पहले आप प्रॉब्लम्स तो देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे. होप यू हैव सॉ प्रॉब्लम्स ऑन योर स्क्रीन.
साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी है इसके अंदर रिमेनिंग या 6, 7, 8 वो भी आपको कर लेना है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्लास 6 मैथ्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। आई एम सैयद राशिद हियर टेकिंग केयर लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर हायर क्लासेस। यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल नेम एस अहले वैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर। मेंटेन नोट्स। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।